करो पॉप करो। पिस्टन एक्सटेंशन को एक ही झटके में पीछे खींचे और बाहर निकाल के बॉडी कवर को डाउन, हथियार को हो जाएगा 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 बेटे ग्रीन कटाव मिला मैं बेटे भी मुंह पाके निकाल उठ बेटा कॉपी हुआ अब फिर मेरा नाम मोनिका है, मैं यहाँ बॉर्डर एरिया पलावाला की रहने वाली हूँ। और हमारे लिए जहाँ पे इंडियन आर्मी की ओर से हमारे लिए कैंप लगा हुआ था 7 दिन का, और इस कैंप के दौरान हमें बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। फर्स्टली हमें जहाँ पे हमें वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई, और जहाँ वेपन को सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिला। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब कोई वेपन को हाथ में भी पकड़ूंगी, और मतलब जब मैंने मतलब ये सब कुछ देखा, पिस्टल सीखी और राइफल के बारे में मतलब सीखा, पकड़ा उसको चलाया, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ। तो मैं थर्ड पोजीशन पे आई इस कैंप के दौरान। हमारा लास्ट जो दिन था कंपटीशन हमारा कंप्लीट हुआ और सातवें दिन हमें सम्मानित किया गया और मैं थर्ड पोजीशन पे आई। मैं सभी का थैंक्स करती हूँ, इंडियन आर्मी का थैंक्स करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं गाँव खड़ास से रहने वाली हूँ। यहाँ पे हमें भारतीय सेना ने 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी, जो की चली थी 4 जुलाई से 12 जुलाई तक। और इसके बावजूद हमें हमारे कॉम्पिटिशन भी हुए थे, अखनूर जाके हमारे कॉम्पिटिशन हुए, उसमें हमें रैंक दिए गए 1st, 2nd, 3rd, जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ और उनको सर्टिफिकेट भी मिले हैं। कैसा महसूस करते हैं आपने गन अपने हाथ में पकड़ी? हम ये मतलब हमने पहले कभी राइफल नहीं देखी, कभी पिस्टल नहीं देखी, और भारतीय सेना का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमें इससे दिखाया कि इसमें क्या क्या होता है, ये कैसा खुलता है, कैसे मतलब इसे चलाई जाती है, कब राइफल करनी है कब नहीं, ये सब कुछ हमें सब कुछ करने गया। और ये मैं शुक्रिया अदा करती हूँ भारतीय सेना का। मेरा नाम दांची शर्मा है, मैं यहाँ 500 की रहने वाली एक लड़की हूँ, जो एरिया है बॉर्डरलाइन के पास है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइफल को पकड़ूंगी, उससे फायर करूंगी और इतनी अच्छी पोजिशन हासिल करूंगी। और ये कॉम्पिटिशन हमें बहुत इस कॉम्पिटिशन में बहुत कुछ सिखाया है, जैसे की राइफल को खोलना जोड़ना और राइफल से फायर कैसे करें, सिस्ट कैसे लें, प्लेइंग पोजीशन में, रेल पोजीशन में, सब कुछ सिखाया हमें इधर। और हमारा इधर 7 दिन का कैंप था, हमारा अखनूर में भी कंपटीशन हुआ 2 दिन तक। पहले दिन तो हमें बस प्रैक्टिस करवाई और दूसरे दिन हमें हमारा उधर कंपटीशन हुआ। और इस कैंप के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। क्या कहना चाहोगे भारतीय सेना को और कितना बेनिफिट होगा आपको इसका? सर, इससे बेनिफिट तो बहुत होगा, एनसीसी के थ्रू हम जा सकते हैं, आर्मी में अगर हमें कुछ पोस्ट में जाना हो तो हम फायरिंग के थ्रू जा सकते हैं, और अगर हमें ओलंपिक्स में जाना हो तो हम जा सकते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।